शक्तियां भरी पड़ी हैं, अपार शक्तियां, अपार शक्तियां। आप देखते हो यहां किसी को भी कबूतर बना देते, किसी को कुछ ही बना देते, कुत्ता बना देते, पाव 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 करता रहता है, है? ये रेलिंग लेगी, किसी को चिपका देते, चिपका रहता दो चार छह दस घंटा, चिपका रहता उसी में, छूटता ही नहीं है। तो तंत्र है तो कुछ ही किया जा सकता है, दंड दिया जाता है, चिपका दो चिपक गए, कोई भी चिपक जाएगी इसमें, तो चुंबक लगा चिपक जाए। एक बार एक अधिकारी आए, वो है त्रिशूल में चिपक गए, बार मामा का त्रिशूल है दरबार में, हमने जाओ बड़े ऐसे छुए उसको, ऐसे हाथ करें ऐसे छुए, ऐसे छोड़ दे, हमने डरो नहीं उसको, पकड़ तो लो ठीक से, बोले करंट तो नहीं मारता ये। अरे यार हमने कहा इसमें तो त्रिशूल गड़ा हुआ है, हमने त्रिशूल छोड़ दो, वो दरवाज़ा पकड़ लो गेट लोहे वाला, बोले चलो लोहे गेट पकड़ लिया, वो चिपक गए उसी में। अब वो मार ताकत लगाए, ये क्या हो गया, हमने कहा पता नहीं, बोले इसमें कहीं से करंट आ रहा है क्या, हमने करंट ऐसा लग रहा है क्या, बोले नहीं, तो हमने छुड़ा के दिखाओ, वो दरवाजे में चिपके रहे। अब तमाम अधिकारी लोग थे, तो हमने खैर हमने कहा बड़े अधिकारी थे, हमारे मित्र भी थे, तो हंसी मजाक दो मिनट चली, हमने भाई छोड़ दिया जाए, छूट गए। अब बड़ा परेशान हुआ, दरवाजे किधर देख रहे हैं उधर जा रहे हैं, वो चूँकि IIT से पास आउट है, पहले IITian थे वो बाद में IAS बने थे, तो कहीं इस पर कहीं से करंट नहीं डाला हुआ, चिपक कैसे गए। तो हमने कहा ये आपकी गंदगी चिपक गई थी, आप नहीं चिपक गए, जो आप में गंदगी भरी हुई है वो चिपक गई है। बोले ऐसा कैसे होता है, हमने यही तो समस्या है आपकी, यही गंदगी है जो आपको समझने नहीं देगी कि कैसे होता है। उसे पता है गंदगी को, ये समझ गया कैसे होता है और हम गए खत्म। तो ये एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में जीने से सुख होता है और अव्यवस्था में जीने से दुख होता है। तमाम अव्यवस्थाओं में आप जिए हैं, तमाम कष्ट संकट पार करके आप आए, दरबार ने आपको खूब अच्छे से प्यार दुलार से आपको सहेजा है, आपको आपके बच्चों को परिवार को, आप बाबा माँ के आज साथ पूरा जीवन बिताना चाहते हैं, इस शरीर यात्रा के बाद भी जीना चाहते हैं, इसलिए आपने कदम उठाया है, आपके इस कदम का बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत शुभकामनाएं कि आप बाबा के साथ जुड़े। जो धरती में कहीं नहीं होता वो करौली शंकर महादेव के दरबार में होता है। जैसे अभी आपका भूतकाल बंद किया गया, भविष्य बंद किया गया कि ना पीछे देख पाए ना आगे, तो कहाँ रहे फिर वर्तमान में। और ध्यान साधना जो होती वर्तमान में ही होती है, भविष्य में चले गए सोच मार रहे घंटियाँ बजा रहे हैं कोई फायदा नहीं, भूतकाल में सोच रहे हैं घंटियाँ बजा रहे हैं पूजा कर रहे हैं कोई फायदा नहीं, फायदा कहाँ लाभ होता है, वर्तमान में है, वर्तमान में रह के पूजा पाठ करते हैं, इस क्षण में जीते हैं, वो ध्यान साधना पूजा अनुष्ठान का उसका लाभ मिलता है। तो साधना करने बैठते हैं तो बोलते हैं गुरुदेव हमको तो ऐसा ऐसा दिखाई देता, वहाँ चले जाते हैं सोचने लगते हैं, फिर वहाँ चले जाते हैं ध्यान ही नहीं लगता। तो गुरु जी कहते हैं करते रहो हो जाएगा, उधर ध्यान न दिया करो। अरे भाई ध्यान जो आदमी दे ही रहा है वो ध्यान कैसे ना दे, ध्यान तो एक ही है, इधर चला जाएगा उधर चला जाएगा, आप में शक्ति है उसके ध्यान को सेंट्रलाइज करो कि ना जाने पाए भूतकाल में ना जाने पाए भविष्य में, उसकी ध्यान साधना शुरू हो जाएगी, इनलाइटेंड हो जाएगा, समय नहीं लगता। अभी हमारे द्वार में थे जो दरबार का आश्रम है वहाँ थे, हमारे साथ बच्चे लोग भी थे बैठे हैं, एक बहुत बड़े संत हैं देश के, उनके दुनिया में कम से कम 100 देशों में आश्रम है कम से कम। हम लोग चले गए क्षेत्र गंगा किनारे, एक आश्रम उनका वहाँ भी था, तो वहाँ एक सन्यासी थे तो क्रिश्चियन, वो थे तो वो क्रिश्चियन, लेकिन कम से कम 20 साल से वो साधना कर रहे थे, वो जान गए कि हम आए, तो उन्होंने सिक्योरिटी से हमारे प्रेयर की भाई गुरुदेव को हमसे मिलना है, मिले हमने बताओ, तो बोले आप हमारे साथ, एक डॉक्टर साहब भी थे वहाँ जो सब जानते थे वहाँ के बारे में, वो ले गए थे। तो हम लोग गए भाई अंदर, तो हमसे वो कहने लगे गुरुदेव हमें आज तक 20 साल साधना करते हो गए और हमें कुछ मिला ही नहीं आज तक, कुछ देख ही नहीं पाए, अद्भुत है हम इतनी साधना करते हैं कुछ होता ही नहीं, और गंदा गंदा और होता हमारे साथ।
गंदगी होती है हमारे साथ रात में, हम बड़े परेशान हैं। हम कहा कोई बात नहीं, देखेंगे। पीछे पड़ गए, नहीं गुरुदेव हम आज आपको जाने नहीं देंगे, आज हमें आप पहले करो, हमने आपके बहुत वीडियो देखे हैं आप। तो तुरंत आदमी का को इनलाइटन कर देते। हमने कहा नहीं ऐसा नहीं होता भाई, आप अपने साधना तपस्या से होते। कह नहीं हमने बहुत देखे हैं, अब आप हमें करो। तो हमने कहा अच्छा भाई चाय पिलवाओ सबको। तो उन्होंने, हम लोग 30-40 लोग थे, चाय वाय पिलवाई, फिर उनको बिठाए हम लोगों ने। ये सब बच्चे साथ में थे हमारे दरबार के। 5 मिनट लगा, 5 मिनट में ब्रह्मांड की यात्रा कर रहे थे, इनलाइटेंड शरीर से निकल के चले गए। जैसे उनके सड़े गले कटे, चक्र वक्र सब ठीक किए गए, कुंडलिनी सड़ी गली गई निकाली गई, नई लगाई गई दरबार की ओर से। वो एनर्जी है कुंडलिनी, सब बदला गया, उनको बिल्कुल न्यू ब्रांड किया गया। इत्र पित्र हटाए गए, गंदगी हटाई गई, गुरु परंपरा से तोड़ा, जिस परंपरा से जुड़े थे वो उनसे तोड़ा, गंदगी से तोड़ ताड़ के अलग किया। रॉकेट की तरह चले गए, जहाँ गंदगी गई रॉकेट की तरह चले गए ऊपर। अब ये लोग हल बुला रहे हैं, हमने बुलाओ, सब लोग बुलाए स्वामी जी स्वामी जी। अब स्वामी जी हो तो स्वामी जी बोले, स्वामी जी तो गए। अरे हिलाओगे तो गिर पड़ेंगे पीछे, उठेंगे नहीं अब, ये गए। हम उनसे जब बोल रहे थे स्वामी जी नीचे आओ, तो वो सुन रहे थे, हमारी आवाज़ केवल सुन सकते थे वो, जिस भी ब्रह्मांड में जिस लोक में थे। खैर हमने उनको फिर खींच नीचे लाए, बोले गुरुदेव लग रहा था नीचे से काट दो, हम वापस नहीं आना चाहते थे वहाँ से, इतना सुंदर लोग। बहरहाल उनको किया। तो हमने कहा मान लो हम नहीं हैं यहाँ और तुम ध्यान में बैठ गए, चले गए, अब तुम्हें लाएगा कौन, तुम तो निकल लोगे। ये लोग सोचेंगे कि ठंडा पड़ गया शरीर, मर गया, जला उड़ देंगे तुम्हें। तो फिर हमने ऐसा किया कि भाई तुम्हें कोई छू ले तो वापस आ जाओगे तुरंत शरीर में, ऐसा किया। फिर करके दिखाया भी, गए हमने किसी से कहा भाई छू लो, छुआ तुरंत, आँख खोल दी उन्होंने। वैसे चिल्लाते रहो, सुनते ही नहीं चाहता, हिलाते रहो। तो वो किया कि भाई कोई आवाज़ छू ले तो आपको होश आ जाए, वापस आ जाए। तो ये दरबार की शक्ति है कि आपके भूत भविष्य को रोक करके वर्तमान में लाती है, और वर्तमान ही ध्यान है, वर्तमान में रहना ही ध्यान है। और ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान हो जाता है, ठीक है। ध्यान एक घटना है, क्रिया नहीं है। क्रिया शून्यता में प्रवेश का रास्ता ध्यान है। तो ये बहुत आराम से किया जा सकता है, आपकी इच्छा विचार आशाएं जब अच्छी रहती हैं। जैसे आप पवित्र होकर बैठे हो, तो पहले हमें क्या करना पड़ा, उनके सारे पितरों को मुक्ति देनी पड़ी, हवन के पुण्य दिए उनको हमने, सारे पितर मुक्त किए, सारी शुद्धि की, सारी गंदगी हटाई, तमाम परंपराओं से तोड़ा, गुरु परंपरा से उनकी तोड़ा, गंदगी हटाई। जो जितने लड़के सब बैठे यहाँ, इन सबको इतनी बदबू आ रही थी वहाँ, जैसे कि 2-4 टोकरा लैट्रिन पड़ गई हो कमरे में, इतनी बदबू जो हटाई गई, शुद्धि हुई, तब वो ध्यान के लायक बने, तब उनका अहंकार क्रोध सब नष्ट करके ले जाएंगे। तो ये चीज़ें बहुत सिंपल हैं, बहुत साधारण हैं, और ये सिंपल और साधारण अगर है तो आपके दरबार के लिए, सबके लिए नहीं है। क्योंकि जिस गुरु परंपरा से वो जुड़े थे, जिनके सैकड़ों देशों में आश्रम है, उनको भी इसी दरबार ने ठीक किया। उनके गुरु जी को भी इसी दरबार ने ठीक किया, अब वो चलने फिरने के लायक हुए हैं, अब देश दुनिया घूम रहे हैं, नहीं पहले बिस्तर पड़े रहते थे। ये शक्ति आपके दरबार को प्राप्त है इस पृथ्वी पे, ये शक्ति किसी को प्राप्त नहीं इस पूरी पृथ्वी पे कि आपके भूत और भविष्य को रोक दे, बंद कर दे। वो चाहे स्टेडियम भरा हो, चाहे 10 लाख आदमी हो, एक साथ सबका भूत भविष्य रोका जा सकता है, एक साथ सबको ध्यान साधना कराया जा सकता है। ये शक्ति केवल इस दरबार को प्राप्त। तो आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि आप उस महान गुरु के DNA के ऊर्जा पथ में आज शामिल होने जा रहे हैं,
जिनकी शक्ति का, इच्छा शक्ति का प्रयोग हम करते हैं। हमारे गुरुदेव प्रमाणित हैं इस शरीर में, वो अपना प्रमाण देते हैं कि हाँ मैं ऐसा हूँ। कैसे प्रमाण मिला उनको? मेरे द्वारा प्रमाण मिलता है। और ध्यान रखो, पूर्ण गुरु ही अपने को प्रमाणित कर सकता है, अधूरा अपने को प्रमाणित नहीं कर सकता कभी भी। तो परम पूजनीय गुरुदेव और हमारी माँ प्रमाणित होती हैं, तो इस शरीर के माध्यम से प्रमाणित होते हैं कि हाँ वो हैं आपके बीच में, आपके आशीर्वाद बना के रखा है आप सब पे, संरक्षण बना के रखा आप सब पे इस पूरी पृथ्वी पर। किसी की हैसियत नहीं जो आपको टोना टोटका, जादू टोना, छू मंत्र करके आपको नष्ट कर सके, आपको छू भी सके। हैसियत नहीं किसी की, छू भी नहीं सकते आप। वो फौलाद बना दिए गए हो, चारों ओर आपके इतने कवच है, कुछ नहीं हो सकता। तो आप सभी ये भी समझ चुके हैं कि तंत्र नाम से लोगों को डर लगता था, आपको ही भय आता रहा होगा पहले तंत्र मंत्र सुन के। लेकिन ये इस दरबार से हुआ कि तंत्र सुन करके हम लोगों को बड़ा आनंद आता, अच्छा तंत्र की दीक्षा हो रही, चलो हम भी चलते। ये इस दरबार में शुरू हुआ है कलयुग में कि कोई भी गृहस्थ व्यक्ति तंत्र की दीक्षा ले सकता है। नहीं पहले क्या होता था? पहले होता था कि पहले घर से बाहर जाओ, घर में आना नहीं कभी, तंत्र मंत्र करना है तो बाहर जाओ, घर नहीं आना कभी, घर से दूर रहना है, तमाम ये हो जाएगा वो हो जाएगा परिवार में। इस दरबार ने इसको सुगम बनाया, तंत्र को पारिवारिक बनाया, तंत्र को परिवार में अपने को परिवार को स्वस्थ रखने के लायक तंत्र को बनाया, जीने के लायक बनाया, स्वयं को समझने के लायक बनाया। उस तंत्र ने आपको वहाँ पहुँचाया कि आप हंसी खुशी तंत्र को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं और घर परिवार में साथ रहते हुए करने के लिए आप तैयार किए गए। आप देखते होंगे तमाम वीडियो जो तंत्र दीक्षित होते हैं, परिवार में किसी को कोई समस्या होती है, केवल मत्था छू भर लेता है, वो केवल छूता है मत्था और वो ठीक, एक सेकंड लगता है उसको ठीक होने में। केवल परिवार के सदस्य में हाथ रख देता है, ओम नमः शिवाय बोलता है, तीन बार हाथ हटा लेता है, ठीक, तड़पता हुआ आदमी ठीक। क्यों हो जाता है? क्योंकि इतनी ऊर्जा आप में आ चुकी होती है। लेकिन वो ऊर्जा इतनी ज़बरदस्त है, इसके बावजूद भी आप सामान्य जीवन जी रहे हैं, परिवार भी आपका सामान्य जीवन जी रहा है, कोई जान भी नहीं पाता, लेकिन ऊर्जा आपके अंदर विशाल विराट ऊर्जा का भंडार होता है। तो ये आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए कर पाते हैं। और एक समय ऐसा आएगा जो इसके 21 सोपान है, चौथे लेवल की जो दीक्षा है तंत्र का, जो चौथा लेवल है उसकी दीक्षा हरिद्वार वाले सम्मेलन में होगी, चौथे तंत्र के लेवल की। अभी तीन लेवल क्रॉस कर चुके हैं सब लोग, चौथा लेवल। ऐसे जैसे ही 15वां लेवल आप क्रॉस करेंगे, आपको तंत्र के प्रयोग की छूट हो जाएगी कि आप तंत्र के प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे ही 21वां आप चरण पूरा करेंगे, आप तंत्र में अपने को पूर्ण पाएंगे, एकदम पूर्ण होते हुए पाएंगे। फिर एक नहीं, ये तमाम करौली शंकर आपको मिलेंगे, हर जिले में, हर मोहल्ले में, हर गली में। दरबार उसी ओर बढ़ रहा है, आपको एक एक कदम बढ़ा रहा है। आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो तेज़ी से बढ़ रहे हैं आगे, ज़बरदस्त उनकी साधना चल रही है, देख पाते हैं हम उनकी साधना तपस्या बहुत ज़बरदस्त चल रही है। आतुर हैं, बिल्कुल व्याकुल हैं, आग है अंदर उनके, लगन है खूब, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं वो, देख पाते हैं। हम उनको देख करके उनकी उपेक्षा करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते, उनको लगता पता नहीं गुरुजी क्यों नहीं बात करते।
अहम ना आए उसको, घमंड ना आए, इसलिए दूरी बना के रखती है। क्योंकि जरा सा अहम आपकी शक्ति को छीन कर सकता है, कमजोर कर सकता है, शक्ति को नष्ट कर सकता है। जहर है अहंकार, सबसे बड़ा जहर है। उससे बचा के रखता है दरबार आपको, तो आप एक एक कदम चलते जाएंगे, दरबार आपके साथ साथ है। आप तेज़ दौड़ेंगे तो दरबार आपके साथ है, आप नहीं दौड़ेंगे तब भी दरबार आपके साथ है। तो आप सभी को पुनः बहुत बहुत स्वागत इस दीक्षा में। आज आपकी मंत्र दीक्षा हो रही, फिर अभी कल तंत्र की दीक्षा होगी। पहला दूसरा तीसरे लेवल के लोग चयन किए जाएंगे, वो बड़ी कठिन परीक्षा होती है, बड़ा एडवेंचर होता है, बहुत आदमी एक्साइटेड होता है, पता नहीं मेरा चुनाव होगा कि नहीं होगा। तंत्र की दीक्षा में लोग फेल हो जाते हैं, आते सामने फेल हो जाते हैं, भाई नहीं मिल पाएगी आपको तंत्र की दीक्षा। दो चीज़ दरबार देखता है, योग्यता देखता है आपकी, कि आप में योग्यता है कि नहीं। दूसरा भाव देखता है कि किस भाव से आप तंत्र में सीखने समझने जाना चाहते हैं। जब वो भाव ठीक होता है तो तंत्र दीक्षा के लिए आपका चुनाव होता है। आप देखते हो 500-600 लोग खड़े होते हैं तो 200-250 लोग चुने जाते हैं, बाकी रिजेक्ट हो जाते हैं। फिर दोबारा प्रयास करते हैं, अगली उसमें आते हैं वो, फिर प्रयास फेल हो जाते, फिर आते हैं, लेकिन कभी न कभी उनका भाव अच्छे हो जाते हैं और उनका चुनाव हो जाता है। कई कई लोग तो ऐसे परिवार हैं, पूरा पूरा परिवार ही तंत्र के दीक्षित है, माता पिता बच्चे सब ऐसे ऐसे परिवार भी। तो गुरु मंत्र मिलेगा बाबा की ओर से, उसके 125,000 जप है, 125,000 उसके जप करने हैं, माला से लिखते जाएंगे। 125,000 जप हो जाए तो उसका जो दशांश होता है, दसवां भाग होता है, वो हुआ 12,500। जो 12,500 से फिर दशांश करके उस मंत्र को सिद्ध किया जाता है। उसको सिद्ध करने के लिए यहाँ भक्तों से बात करेंगे आपस में, आप सेवक हैं उनसे बताएंगे आपको सब। तो जब मंत्र सिद्ध किया जाता है, दशांश जपते हैं, दशांश कितना हुआ 12,500, जब आपके 125,000 मंत्र जप हो गए माला से, तो वो जो दशांश जप करते हैं तो उसके लिए एक आयोजन होता है कि हवन करें, उस हवन में आहुति डालते रहें, फिर माला भी जप करनी है आपको, वो थोड़ा कठिन होता है आपके लिए, बड़ा आयोजन हो गया। दरबार ने इसको और सरलीकरण किया, एक सिद्ध अग्यारी बनाई, यही दरबार में रहती है, उसको आपने जरा सा सुलगा दिया, वो करीब 1.5 घंटा जलती है, 1.5-2 घंटा, कम से कम 1.5 घंटा तो जलती है वो, जली समझो हवन शुरू हो गया आपका। उस इतनी सरलतम विधि है, कोई आपको बड़े हवन नहीं कर, आपका मंत्र सिद्ध होता जाता है। 12,500 जप हो गए, मंत्र सिद्ध हो गया, दशांश हो गया, बाबा माता को अर्जी लगाई, स्थिर हो जाएगा हमेशा के लिए आपका पुण्य। और इतना अद्भुत है ये आपका दशांश, ये परिवार में जब भी कोई बीमार होता है और आप दरबार से प्रार्थना करते हो, बाबा ये कष्ट है हमारी माँ को या भाई को, किसी को भी, आपका यही पुण्य आपसे निकल के सीधे उसमें जाके सक्रिय हो जाता है, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक वहीं रहता है, शुद्ध करके, ठीक करके, और फिर वापस आपके मस्तक पे, आज्ञा चक्र पे विराज जाता है। इतना सुंदर है, अद्भुत है ये शक्ति जो आप इकट्ठा करते हो अपने जप से, ये आपके पास सदा सदा रहती है। परिवार का आदमी स्वस्थ हुआ और वापस फिर आपके पास, आपके आज्ञा चक्र के पास मस्तक पे विराज जाती है, आप ही का पुण्य, इतना अद्भुत है। तो ये सरलतम विधि है, सरलतम उपयोग है, दरबार ने बहुत सरल किया हुआ है कि आप सरलता से जी पाएँ, सरलता से कर पाएँ। तो आज आपके साथ आपका बहुत समय लिया गया, एक छोटा सा भजन बाबा माता के साथ, बाबा का नाम सुमिरन करते हैं, पांडे जी हैं, बाबा का नाम सुमिरन कराएंगे। और हरि हर बुझ रहा है, बहुत बुझ रहा है।
हरि हर हरि हर। महादेव की जय हो। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। दीक्षा प्राप्त करने जा रहे हैं, ऊर्जा से भरे हुए हैं, पूरी ताकत से बोलिए श्री करौली शंकर महादेव की, सच्चे दरबार की, माता कामाख्या की, भगवान भोलेनाथ की, परम पूज्य गुरुदेव की, हर हर। जय जय राधा रमण हरि ओ, जय जय राधा रमण हरि ओ, राधा रमण हरि ओ, जय जय 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 राधा रमण हरि ओ। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि ओ, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। प्रीत किया गुरुदेव मेरो निर्मल प्राण, का बोलूं किस विध कहूं, ना कोई आप समान, ना कोई आप समान। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा राधा रमण, जय जय 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 राधा। बाबा राधा रमण, गुरुवर राधा रमण, मेरे राधा रमण, जय जय राधा रमण। हमने अपने आप की तुमको दे दी डोर, मर्जी चाहे आपकी, ले जाओ जिस ओर। जय जय राधा रमण, बाबा राधा रमण, मेरे जीवन के धन, जय जय राधा। आए तेरे शरण मेरे राधा रमण,
जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण शिव शिव राधा रमण बम बम राधा रमण भोले राधा रमण गुरुवर राधा रमण जय जय 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 राधा रमण बाबा राधा रमण जय जय राधा रमण बाबा राधा रमण करू तेरे भजन बाबा राधा रमण रहूं तेरी शरण बाबा राधा रमण करू तेरे भजन जय जय राधा रमण रहूं तेरी शरण बाबा राधा रमण गुरुवर राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण राधा रमण जय जय राधा रमण ले लो अपनी शरण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण गुरुवर राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण गुरुवर राधा रमण जय जय राधा जय जय राधा रमण बाबा राधा रमण ले लो अपनी शरण मेरे राधा जय जय राधा रमण गुरुवर राधा रमण ले लो अपनी शरण बाबा राधा मेरे राधा रमण प्यारे राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण राधा रमण जय जय राधा रमण ले लो अपनी शरण बाबा राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण बाबा राधा रमण मेरे राधा रमण प्यारे राधा रमण गुरुवर राधा रमण बाबा राधा रमण मेरे राधा रमण गुरुवर राधा रमण जय जय 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 राधा रमण मेरे प्यारे गुरुवर जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण बाबा राधा रमण प्यारे राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण ले लो अपनी शरण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण ले लो अपनी सभी गाइए दोनों हाथों खड़े करके बोलिए और क्या बोल रहा है जीवन मेरा सफल हो गया आकर तेरे धाम में मेरा सफल हो गया हाँ जीवन मेरा सफल हो गया आकर तेरे धाम में सफल हो गया आकर तन भी रंग गया रंग भी रंग गया राधा रमण हरि नाम में तन भी रंग गया मन भी रंग
तन भी रंग गया मन भी रंग गया राधा रमण हरि नाम में, तन भी रंग गया मन जीवन मेरा सफल हो गया आकर तेरे धाम में, जीवन मेरा सफल हो गया आकर तेरे धाम में, तन भी रंग गया मन भी रंग गया राधा रमण हरि नाम में, मन भी रंग गया मन भी रंग गया राधा रमण हरि नाम में, मन भी रंग गया रंग जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय मुझ पे उपकार करो ना ओ मेरी माँ, जीवन साकार करो ना ओ मेरी माँ, मुझ पे उपकार करो ना ओ मेरी माँ, जीवन साकार करो ना ओ मेरी माँ, भटकते भटकते आए तेरे दरबार में, भटकते भटकते आए तेरे दरबार में, सदा नी सदा 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 सनी सनी दानी दा बा 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 दानी सा सा मा बा दानी सा सा मा बा दा 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 नी 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 बा 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 मा बा दा 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 नी 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 सा सा नी सा सा नी सा सा नी सा सा भटकते भटकते आए तेरे दरबार में, भटकते भटकते आए तेरे दरबार में, तू ही सहारा मेरी ओ प्यारी गुरु माँ, मुझ पे उपकार करो ना ओ मेरी माँ, जीवन साकार करो ना ओ मेरी माँ, मुझ पे उपकार करो ना ओ मेरी माँ, जीवन साकार करो ना ओ मेरी माँ, जय जय राधा रमण प्यारे राधा रमण, जय जय राधा रमण बाबा राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारे राधा रमण बाबा राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारे राधा रमण बाबा राधा रमण, मेरे जीवन के धन मेरे जीवन के धन प्यारे राधा रमण जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण बाबा राधा रमण, जय जय राधा रमण बाबा राधा रमण, राधा रमण गुरुवर राधा रमण भोले राधा रमण शिव राधा रमण, जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय प्यारे राधा रमण बाबा राधा रमण गुरुवर राधा रमण मेरे राधा रमण, राधा रमण जय जय राधा रमण गुरुवर राधा रमण जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारे राधा रमण मेरे राधा रमण बाबा राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारे राधा रमण मेरे राधा रमण जय जय राधा रमण।
हरि राधा रमण विष्णु राधा रमण रुद्र राधा रमण जय जय राधा रमण हरि राधा रमण रुद्र राधा रमण विष्णु राधा रमण जय जय 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 राधा श्री करौली शंकर महादेव की सद्गुरुदेव भगवान की हर हर